स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं फैब्रिक पेंटिंग विद ब्रश। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने किया था फैब्रिक पेंटिंग विद टेक्सचर था, उसमें हमने सारे टेक्सचर्स लिए थे, लेकिन अब हम ले रहे हैं ब्रश। ब्रश के साथ काम करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक कुशन कवर बनाना। तो ये मेरा एक कुशन है और इस कुशन को मैंने लिया है एक डबल कपड़ा, क्योंकि टू साइडेड होते हैं इसलिए मैं इसका डबल कपड़ा ले रही हूँ। और हमने रखा अपना कुशन इस तरह से, हमें मेजरमेंट चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कितना बड़ा है, इस करके हमने क्वेश्चन रखा। और उसके बाद हमने यहाँ से इसकी एक वर्क एरिया प्लेस कर लिया कि हमारा ये इतना एरिया है जिसमें कि हमने अपना क्वेश्चन बनाना है। ये हमने एक आउटलाइन ले ली। आउटलाइन लेने के बाद हमें कुछ एरिया एक्स्ट्रा चाहिए, इस साइड भी हमने एटलीस्ट 1 inches एक्स्ट्रा ले लिया, इस साइड भी हमने 1 inches लेके एक्स्ट्रा, और इतना पार्ट हमने आगे से कट कर लेना है। स्टूडेंट, अब मेरा ये पीस कट हो चुका है। अब मैंने अपना कुशन दोबारा रखना है क्योंकि मुझे इसका कवर बनाना है। तो एज इट इज मैंने कुशन रखा है इसके ऊपर, ये हमने फोल्ड किया है इसके ऊपर, एंड देन 1 fold दिस साइड, बिकॉज ये अपोजिट साइड है और सीन आएगी, चारों साइड इसके सीन आएंगे, इसलिए हमने 1 fold ये दिया। ये मैंने 2nd fold दिया है यहाँ पे। और मोस्टली पिलोज और कुशन वगैरह में सेम पैटर्न होता है, थोड़ा सा उधर शिफ्ट करते हैं इसको, बिकॉज इक्वल प्लेसमेंट चाहिए हमें। अगर हम थोड़ा बहुत भी उधर करते हैं तो उसकी मेजरमेंट राइट नहीं आती और उसके बाद उसको क्वेश्चन को उसमें डालना टफ हो जाता है। उसके बाद 1 fold हमने इस तरह से लिया, देखिए 1 fold हमने इस साइड लिया हुआ है, 1 fold हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ओवर रैपिंग के बाद हमने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा करके, और अब हमारे पास ये वाली सीन हमने इधर सीन मार देनी है और दूसरी साइड भी हमने सीन से मार देनी है। हमने इस तरह से साइड सीन्स मार ली। साइड सीन मारने के बाद ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सीधा हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे एक पॉकेट बन जाती है, यहाँ से अपना क्वेश्चन इसके अंदर डाल सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास एक स्क्वायर पार्ट, डेट मीन्स कि हमारा स्क्वायर पार्ट एक हमारा वर्क एरिया है। अब ये हमारा वर्क एरिया एक स्क्वायर पार्ट है। अब अगर हमें कोई डिज़ाइन बनाना है तो सबसे लिए हमारे इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको कैसे प्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर पार्ट है जस्ट लाइक बेडशीट होती है, हमारी टेबल क्लॉथ्स होते हैं, इस तरह के स्क्वायर पार्ट्स होते हैं। और हमें अगर हम चाहें तो ये कॉर्नर पार्ट्स कवर कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, और सेंटर पार्ट। और अगर हम ऑल ओवर पैटर्न चाहते हैं तो हम ऑल ओवर पैटर्न में एक पेंसिल से आइडिया लेते हैं कि हम इस पार्ट पे फ्लावर बनाते हैं, यहाँ यहाँ, और उसके बाद इन दोनों को ये बीच में गैप छोड़ के ये वाले पार्ट्स के हम लोग कवर कर सकते हैं विद डिज़ाइन। एक और आइडिया होता है जिसमें हम एक छोटे छोटे बॉक्सेस के साथ हम उस एरिया को कवर करते हैं। अगर हम ऑल ओवर डिज़ाइन चाहते हैं, एक पार्ट छोड़ा सेकंड पार्ट, एक पार्ट छोड़ा नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद इन दोनों पार्ट के बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, इन दोनों के बिल्कुल भी सेंटर वाला पार्ट, इन दोनों के बाद ये वाला पार्ट, ये हो गई हमारे डिज़ाइन की प्लेसमेंट। तो अब हमने ये सिलेक्ट किया है कि हम अपने इस पैटर्न में ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये कुशन बहुत छोटा है इसलिए हम सिर्फ इतना सा पार्ट करेंगे, इसी से ही अट्रैक्टिव लगेगा, नहीं तो ये बहुत भरा हुआ लगेगा। अगर हम ये वाले एरियाज या ये कह दो कि फुल ऑल ओवर पैटर्न अगर हम डिसाइड करते हैं तो ये बहुत भरा हुआ लगेगा, इसलिए हमें ये वाला शुरू करना है। यहाँ पे लाइंस नहीं बनेंगी बल्कि ये पैटर्न्स बनेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स कि लास्ट में हमारे पास जो पैटर्न्स आएंगे वो इस वे में बन के आएंगे, ना कि इसके अंदर लाइंस। और जो ये वाले हैं पैटर्न्स, इन दोनों के बीच में आएगा ये, और उसके बाद ये और ये, इस तरह से पैटर्न्स बनेंगे। और यहाँ पे हमारे ये कॉर्नर्स में पैटर्न्स बनेंगे, और ये वाला एरिया अब हम इस क्वेश्चन के लिए डिसाइड। कपड़ों पे काम करने के लिए हमें इस तरह के फ्रेम्स की ज़रूरत होती है, और ये इस तरह से हम कपड़े को टाइट कर सकते हैं। हम इसमें छोटा फ्रेम यूज़ करें क्योंकि हमारा क्वेश्चन छोटा है, इसलिए हम इसको इसके अंदर डाल के टाइट करेंगे। बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं, समटाइम्स ये कपड़ा ख़राब हो जाता है ज़्यादा खींचेंगे तो, बस जस्ट हमें एक टाइट लुक चाहिए, इस तरह से हमने डाल के इसको टाइट कर लिया। अब हमने लेना है ब्रश, एक्रेलिक कलर्स, फैब्रिक कलर्स, इसको मार्केट में हम कह सकते हैं कि फैब्रिक कलर्स होते हैं, इसको कह के आप ले सकते हो। अगर कई बार आपको लगता है कि कलर ठीक है तो आप इस तरह से एक बेनियम मिलता है कलर्स में डालने के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो कलर्स में, थोड़ा सा लिक्विड यूज़ करने के लिए, ना कि पानी उसमें डालोगे आप। अगर पानी डालते हो तो कलर डिजॉल्व होने लग जाएगा और वॉशिंग के बाद सारा कलर ख़राब हो सकता है। मैं ब्रश से इसमें काम करना शुरू कर रही हूँ, लेकिन मुझे उससे पहले थोड़ा अपना पैटर्न बनाना है। अगर आपसे फ्री हैंड बनता है तो ओके, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, आप इसमें प्रिंट भी ले सकते हो या उसको छापा भी लगा सकते हो अगर आपके पास है तो। इस तरह से मैंने फ्लावर्स बना लिए, ये आपके विश है, फ्री हैंड बनाना चाहती है उसको लेना चाहते हैं, इस तरह से आप पैटर्न बना लोगे जो भी बना रहे हैं। उसके बाद हम इसको राउंड ब्रश से फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आउटलाइन करेंगे, जो भी आप बनाना चाहते हो इस तरह से राउंड ब्रश, उसके बीच बीच में आप दूसरा कलर यूज़ करोगे जस्ट फॉर शेप।
जस्ट लाइक दिस। एक बार डार्क आउटलाइन लिया आपने, उसके अंदर आपने डार्क आउटलाइन के साथ साथ उसके साथ अंदर लाइट कलर के शेडिंग। एक सिंगल कलर कभी भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए जब भी कोशिश करो, जब कलर करो तो कोशिश करो कि उसमें डबल कलर ट्रिपल कलर टोन्स लाने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से फोर साइड ट्रिप भी फ्लावर्स बना लिए और सेंटर में भी फ्लावर बना लिए। अब हमने एक थोड़ी न्यू टेक्निक यूज़ कर ली है, हमने ब्लेड लेना है इस तरह से, ये ब्लेड लेते हैं, ब्लेड के ऊपर हम कलर करते हैं, जो भी कलर का हमने यूज़ करना है, लेकिन मुझे सेंटर में कर रही हूँ कि ग्रीन कलर आए और इन दोनों का लाइट इफेक्ट दोनों साइड आए, येलो शेड अपर साइड एंड फ्लावर भी बना सकते हो। वैसे मैं इसमें फ्लावर लीव्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद हम इसको फ्लावर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दो क्वेश्चन सेट्स रेडी हैं।